का ये महाकुंभ चिंतन विमर्श गीत संगीत का सबसे बड़ा मेला है जो राजधानी दिल्ली में लगातार 3 दिनों तक एक साथ 5 से 6 मंचों पर सजता है। पिछले हफ्ते ही इस विशाल मेले ने राजधानी दिल्ली से बाहर कदम बढ़ाया और पहली बार बंगाल की धरती पर साहित्य आज तक का सफल आयोजन किया गया। साहित्य आज तक के लिए ये यात्रा नव जागरण की धरती से सगुण और निर्गुण ब्रह्म की धरती की यात्रा है। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली और कोलकाता के बाद लखनऊ ही क्यों, तो हमारा सीधा सा उत्तर ये है कि लखनऊ क्यों। उत्तर प्रदेश धर्म और आध्यात्म की भाव भूमि है, ये श्री राम की मर्यादा भूमि है तो श्री कृष्ण की लीला भूमि भी। कबीर के निर्गुण, सूर और तुलसी के सगुण यही विचरते हैं। ये जैसी की प्रेम भूमि, रसखान की भाव भूमि, रैदास की भक्ति भूमि भी है। यहाँ भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी भी हैं। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की धुन भी यहीं से दुनिया भर में फैली है। मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस साहित्य आज तक के मंच पर अब जो हमारा सत्र होने जा रहा है उसका शीर्षक है जन जन के राम। और दो बेहद महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ हैं, हृदय नारायण दीक्षित जी और उदय प्रताप सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ हमारे दोनों बेहद महत्वपूर्ण मेहमानों का स्वागत कीजिए और इस सत्र का, महत्वपूर्ण सत्र जन जन के राम का संचालन कर रहे हैं हमारे साथी राजीव ढोंडियाल। राजीव, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सही जी, और बिना समय जाया किए हुए, व्यर्थ किए हुए सीधा इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत हृदय नारायण दीक्षित जी आप ही से, इस टॉपिक हमारे इस सेशन का नाम है जन जन के राम। आपका गहरा अध्ययन रहा है, उन पर चिंतन रहा है, लेख लिखते हैं, लगातार आप लिखते रहे हैं, उनके बारे में बताते रहे हैं, तो सबसे पहला तो यही जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में कौन है राम? सबसे पहले मैं इस निमंत्रण का लाभ उठाकर इस कार्यक्रम के आयोजक आज तक को बहुत धन्यवाद देता हूं, अतिरिक्त धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया और साहित्यकारों को भी अपनी बात कहने का सुंदर अवसर दिया है। मैं इस मंच पर विराजमान हमारे प्रिय आदरणीय उदय प्रताप जी, वरिष्ठ साहित्यकार, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे दाएं बैठे हैं राजीव जी, खड़े हैं अंसारी जी, तो ये राजीव जी बहुत पहले से हमसे परिचित रहे हैं, अंसारी जी से भी जान पहचान रही है, तो मैं उनके प्रति भी आत्मीयता और प्रेम भाव व्यक्त करता हूँ। अब मुझे अतिशीघ्र विषय पर आ जाना चाहिए और अपना निवेदन निर्धारित समय के भीतर समाप्त करना चाहिए। इस प्रकृति सृष्टि में प्रतिपल परिवर्तन घटित हुआ करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रकृति का, ब्रह्म का अणु परमाणु स्वयं को प्रकट करने की लालसा में प्रतिपल सक्रिय है। आप हम आकाश की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि प्रकृति के अंश यह सूर्य भी स्वयं को प्रकट करने और अभिव्यक्त करने के काम में बड़े जतन से, बड़े प्यार से संलग्न है। ऐसे ही तारे और नक्षत्र, ऐसे ही नदी का नाद, ऐसे ही छोटे छोटे जीव, प्राणी, कीट पतंग, ऐसे ही हम मनुष्य, प्रकृति का प्रत्येक अणु परमाणु स्वयं को प्रकट कर रहा है। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ वो बात यह है
कि प्रकृति के इस खेल में इस धरती पर पैदा प्रत्येक जीव की उम्र में एक दिन ऐसा अवश्य आता है, हर हालत में आता है, आप सबकी जिंदगी में भी आएगा, हमारे सबके जीवन में भी आता है। तो यह अवसर उस क्षण आता है जब मनुष्य या कोई जीवधारी अपना सर्वोत्तम प्रकट कर लेता है। कोई कलाकार है, कलाकार चित्र बनाता है, वो अपना सर्वोत्तम प्रकट करने का प्रयास करता है। कोई वैज्ञानिक है, वो शोध के माध्यम से अपना सर्वोत्तम प्रकट करने का प्रयास करता है और सफल होता है, कभी असफल होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण एक दिन जरूर आता है जब वह व्यक्ति अपने सर्वोत्तम को प्रकट कर लेता है, या प्रकृति भी अपना सर्वोत्तम प्रकट करना चाहती है और करती भी है। प्रकृति का सर्वोत्तम कभी फूलों में, कभी कलियों में, कभी धरती में, कभी आकाश में, कभी गीत में, कभी कला में, कभी साहित्य में, कभी प्रेम में, कभी प्रीति में, कभी रीति में, ज्ञान में, विज्ञान में, तेज में प्रकट हुआ करता है। और ऐसे ही प्रकृति जब अपना संपूर्ण तत्व, ऊर्जा और चेतन प्रकट कर लेती है, तो फिर कोई व्यक्ति, प्रकृति का गढ़ा रचा इंसान, वो श्री राम हो जाता है। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, मेरा एक प्रश्न है कि जितने हमारे परंपराओं में, हमारी संस्कृति में, हमारे आध्यात्म में बहुत गहरे हैं राम, लेकिन फिर राम पर क्यों प्रश्न उठते हैं? प्रश्न तो उठते इसलिए भी हैं, कुछ तो कुतर्क के लिए उठते हैं, उनको हम ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ इसलिए भी उठते हैं कि भारत की संस्कृति और दर्शन के इतिहास में प्रश्नों की, वाद की, विवाद की, संवाद की महत्ता रही है। और वैदिक साहित्य में, यजुर्वेद में विशेष तौर से प्रश्नों को देवता कहा गया है, प्रश्न देवता है। तो इसलिए हमारे राष्ट्र जीवन में ईश्वर पर भी तर्क वितर्क होते हैं, संभव हैं। हमारे राष्ट्र जीवन में कोई नोटिफिकेशन, कोई साधु, कोई देवदूत घोषणा नहीं करता कि तुम आज से आस्तिक हो जाओ। आस्तिक होना जबरदस्ती नहीं है, यहाँ प्रश्न चलते हैं। और प्रश्नाकुलता की बेचैनी ऋग्वेद के रचना काल से लेकर महाभारत और रामायण तक पसरी हुई है। तो प्रश्न होने चाहिए, लेकिन प्रश्नों का उद्देश्य लोक मंगल होना चाहिए, सुरसर इसम सबका हित हो, जैसा तुलसी ने कहा। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन उदय सर इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि जब प्रश्न होते हैं, जब तर्क होते हैं, तो तब जो प्रश्न कर रहा हो उसको कह दिया जाता है कि वो तो हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसका ऐसा करना सही नहीं है, वो दखलंदाजी कर रहा है हमारे धर्म में, धर्म के खिलाफ है, वो व्यक्ति सीधा सीधा कह दिया जाता है। आदरणीय दीक्षित जी, और आज तक की जो टीम है साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जन जन के राम के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करना चाहती है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रश्न का जहाँ तक प्रश्न है, भगवान राम के काल में भी उन पर प्रश्न उठाए जाते रहे, और प्रश्न का उठाना, प्रश्न पूछना, यह लोकतंत्र का बहुत शुभ लक्षण है, लेकिन विकृति के साथ नहीं, प्रकृति के साथ, अपने स्वभाव के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, क्योंकि राम सबके हैं, राम किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी जाति विशेष के नहीं हैं, किसी धर्म विशेष के नहीं हैं। अभी राम आंदोलन जो चला अयोध्या का, इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से पाकिस्तान तक के लोग कहने लगे कि हम राम के वंशज हैं। तो राम की जो यह व्यापकता है, प्रश्न के घेरे में भी आती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि राम का अस्तित्व संकट में है या राम हमसे बहुत दूर हैं। सर, आपके पास आते हुए, अभी हाल में हमने देखा कि चौपाइयों का लगातार विरोध हुआ, लेकिन मैं उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि वाल्मीकि के राम, बाबा तुलसीदास के राम, कबीर के राम, इनमें आपको कितना अंतर, या लोहिया के राम,
कितना अंतर उनमें आप पाते हैं? असल में राम वस्तुतः राम का चरित्र और उनका पूरा काम और व्याप यह इस कदर घनीभूत है विश्व में कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने ढंग से श्री राम दिखाई पड़ते हैं। तुलसीदास भी सजग थे तो तुलसीदास ने बहुत स्पष्ट रूप में कह दिया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो ये निर्भर करता है कि हम किस आधार पर देख रहे हैं और देखने देखने का फर्क होता है। और जब ये बात चलेगी कि लोहिया के राम, तो लोहिया तो श्री राम को उत्तर दक्षिण की एकता का देवता बताते थे और रामचरितमानस के लिए कहते थे कि मुझे बहुत प्यारी लगती है राम कथा क्योंकि इसके सभी पात्र अश्रुलोचन हैं। और लोहिया कहते थे कि राम और कृष्ण और शिव ये तीन स्वप्न हैं भारत की जनता के। तो लोहिया तो श्री राम को बहुत मानते थे, बहुत आदर देते थे, उन्होंने रामायण मेला भी लगवाया था और उनसे बड़ा समाजवादी शायद ही कोई दूसरा रहा हो। तो उनका जो लोहिया जी का दर्शन है श्री राम के बारे में, तो वो हमारे लिए भी और हम सबके लिए भी, विशेषता समाजवादी मित्रों के लिए भी बड़ा मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उदय सर, यही सवाल मेरा आपसे भी कि वाल्मीकि को समकालीन माना जाता है, उसके बाद तुलसीदास ने भी इसको लिखा और उसके बाद चौपाइयों को लेकर तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन चौपाइयों में वाकई कुछ ऐसा है जिसका विरोध जायज है? देखिए, किसी चीज को जब आप संदर्भ से काट के देखेंगे तो आपको हर चीज उल्टी दिखाई पड़ेगी, इसलिए संदर्भ से आप जोड़िए। ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी, इसको आप संदर्भ से जोड़ेंगे तब सारी चीजें आपको स्पष्ट होंगी। और जहां तक राम का प्रश्न है, आपने सवाल किया कि कबीर के राम, रैदास के राम, तुलसीदास के राम, गांधी के राम और फादर कामिल बुल्के के राम, आप राम को देखिए ना। आप राम का दो स्वरूप हमारे सामने आता है, एक अयोध्यावासी राम, दूसरे वनवासी राम। राम जन जन के तब बनते हैं जब अयोध्या से निकल करके वो वन में जाते हैं और राम का विस्तार होता है, उनकी उदारता बढ़ती है। ऋषियों की हड्डियों को देख करके राम कहते हैं कि निश्चर हीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन, यह राम की लोकप्रियता है। और जब चित्रकूट में राम पहुंचते हैं तो वाल्मीकि से पूछते हैं, जैसा आपने सवाल किया, कि मैं अपना घर कहाँ बनाऊं, कोई प्रण कुटीर बनाने की जगह आप हाँ बताएंगे? तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि आप कहाँ घर बनाएंगे, आप तो हर जगह हैं, आप तो हर जगह हैं, इसलिए आपको घर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वहाँ घर जरूर बनाइए जहाँ लोग बहुत प्रेम से कथा सुनते हों। आप देखिए, कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी जिस दशरथ के सुत को लेकर के तुलसीदास इतना बड़ा महाकाव्य लिखते हैं, कबीर साहब उसको खारिज करते हैं, लेकिन एक तत्व राम नाम का है जो कबीर में भी व्याप्त है। इसलिए कबीर बार बार कहते हैं कि राम वियोगी ना जिए, जिए तो बउरा हो, अगर वो जीता है तो पागल होगा। ये लोग निर्गुण मार्गी थे, सगुण मार्गी, निर्गुण मार्गी, साकार निराकार, कई रूपों में राम को देखा गया है। आप रैदास की बात कीजिए तो रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसी में आगे की पंक्ति है। तो इस तरह हम देखते हैं कि राम केवल दशरथ के सुत नहीं है, अयोध्या के राम राम नहीं है, एक ऐसा तत्व राम का व्यापक हुआ है पूरे विश्व में कि जब बेल्जियम फादर कामिल बुल्के लौटते हैं तो कहते हैं कि मुझे बाइबिल ले जाने की भले इजाजत न मिले, लेकिन रामचरितमानस ले जाने की इजाजत मैं चाहूंगा। और गांधी जी भी यही कहते हैं कि मुझे दो पुस्तकें मुझे बहुत प्रिय लगती हैं, एक गीता और दूसरा रामचरितमानस। तो इस तरह राम की व्याप्ति जन जन में है, राम जन के हैं, अभिजन के हैं, परिजन के हैं, लोक के हैं, शबरी के हैं,
भक्त के हैं, कवियों के हैं और आचार्यों के हैं, इसलिए राम की व्यापकता को कोई प्रश्न उठा करके चुनौती और चैलेंज नहीं दे सकता। लेकिन इधर सर वो तो चैलेंज दे रहे हैं ना, उन्होंने तो बकायदा पत्र लिख दिया है कि इन उक्तियों को जो है उनको हटाया जाना चाहिए रामचरितमानस से। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस पार्टी वो पार्टी जो लोहिया को मानती हो, उनके विचारों को मानती हो, तो वो लोहिया के राम को आपको लगता है कि मतलब वो क्यों नहीं मान रही, या फिर वो राजनीति से प्रेरित ये बयान आपको लगते हैं? मुझे लगता है कि वो क्यों नहीं मान रहे, ये प्रश्न तो इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे। जहाँ तक किसी चौपाई से किसी दोहा से नारी अपमान की जैसी कोई ध्वनि आती है तो चीज़ों को समग्रता में देखना चाहिए, रामचरितमानस को भी और देश काल के हिसाब से भी देखना चाहिए। रामचरितमानस बहुत प्राचीन 450-450 साल पुरानी रचना है, उसमें उस समय के समाज की बातें हो सकती हैं। रामचरितमानस के साथ मैं उदाहरण दूंगा, प्लेटो ने यूनान में रिपब्लिक लिखा था और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है, रिपब्लिक में भी स्त्रियों के बारे में इसी तरह के सवाल उठाए गए हैं। कबीर दास जी के भजन बहुत हम लोग आदर करते हैं, कबीर श्रद्धेय हैं, उनके भजनों में भी कतिपय भजन ऐसे हैं जो स्त्री अस्मिता के बारे में आज की तारीख में संगत नहीं कहे जा सकते। तो पूरे समग्रता में किसी पूरे परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखना। अब आते हैं भारत में श्री राम पर और भारतीय परंपरा पर। ऋग्वेद के रचनाकाल को कम से कम 7,000-8,000 साल हो गया। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति क्या है ये देखनी चाहिए, वही प्रवाह नीचे तक आता है। वहाँ पर अपाला घोषा हैं, लोपा मुद्रा हैं और युद्ध में लड़ने गई विपसला हैं, ये सब ऋग्वेद की नारियाँ हैं जो युद्ध में लड़ती हैं। और रामकथा की कैकेयी भी युद्ध में लड़ने ही गई थी दशरथ के साथ, तब उसे वरदान मिला था। तो जिस देश में स्त्रियां सैनिकों की तरह अग्रिम मोर्चे पर रहती रही हों, उनका आराधन निराजन और सम्मान होता रहा हो, उस देश में कहीं से कोई छोटी मोटी चीज़ उठाकर नारी अपमान से जोड़ना, मैं नहीं समझता कि ये उचित है। उदय सर, क्या अब समय बदल गया है और आज के समय में नजरिया भी लोगों का राम के प्रति बदल गया, ये वही नजरिया है? नहीं, राम के प्रति कोई नजरिया नहीं बदली है। राम एक ऐसा व्यापक और शाश्वत तत्व है कि उसके प्रति नजरिया बदल ही नहीं सकती। गांधी जी एक भजन गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। आपको अच्छी मति भगवान देगा तो राम का आप दिव्य स्वरूप देखेंगे, और मति नहीं देगा तो आप राजनीतिक दृष्टि से बार बार आघात करते रहेंगे कि राम। वस्तुतः राम जो हैं वह केवल अपने देश में ही नहीं है, केवल अपने परिवार में ही नहीं है, वह जब वन को राम जाते हैं और सीता से वनवासी कोल भील पूछते हैं, उनकी पत्नियां पूछती हैं कि ये कौन है, तो सीता जी तिरछे करी नयंद सैन तिन्ह समझाए कछु मुस्काए चली। यह जो मर्यादा का पालन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, क्या इस मर्यादा की तरफ जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका ध्यान नहीं जा रहा है? और एक बात, राम संस्कृत में है, पाली में है, प्राकृत में है, हिंदी में है, भोजपुरी में है, अवधी में है, कौन सी भाषा भारत की उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम है यहाँ राम नहीं है? एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। राम वन को गए हैं, सीता भी हैं, लक्ष्मण भी उनके साथ हैं। अब आज इस कथा का निहितार्थ निकालिए कि आज के संदर्भ में कथा क्या है। राम गद्दी छोड़ चुके हैं लेकिन जो लोक मन है, जो जन का मन है, वह राम को ही राजा मानता है। इसलिए भोजपुरी में कहता है कि राम के भीजे मुकुटवा, राम जंगल में है लेकिन मुकुट, राजा के मुकुट की परिकल्पना जो लोक है वह राम को जंगल में करता है। और कहते हैं, सीता के भीजे पटुकवा बहे से नुरवा हो, कब घर आई है राम। तो ये राम जो जन जन में है, भाषा भाषा में है,
किसी के प्रश्न करने से, किसी के प्रश्नांकित करने से, किसी के दुराग्रह बस या किसी राजनीतिक धारा विशेष के कारण प्रश्न करने से राम मलिन होने वाले नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जो राम के बहुत भक्त थे, वो कहते थे कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। पहले राम के उस चरित्र में आप डूबेंगे, तब राम का सही रहस्य आपको पता चलेगा। सर, राम के व्यक्तित्व का केंद्र मर्यादा है, लेकिन कितने लोग उनके आदर्शों का पालन करते हैं? जबकि समाज पर बहुत गहरा असर है भगवान राम का, लेकिन फिर अनुसरण क्यों नहीं हुआ, उनके जैसा क्यों नहीं? प्रश्न आपका बड़ा गंभीर और औचित्यपूर्ण है। श्री राम के चरित्र में जितने भी सद्गुण हो सकते हैं हम लोगों की परंपरा में, संस्कृति में, इतिहास में, वह सारे के सारे तत्व श्री राम के चरित्र में मिलते हैं। उनको पकड़ पाना और उनको अपने जीवन में लागू कर लेना ये आसान नहीं है, और ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं तो कोई सीधी सीधी डिग्री नहीं है किसी यूनिवर्सिटी की मर्यादा पुरुषोत्तम होना। ये तो स्वयं को कष्ट देते हुए, स्वयं को असह्य दुख देते हुए, स्वयं के खिलाफ लगातार निर्णय लेते हुए राम जो कुछ भी करते हैं वो लोक मंगल के लिए उपयोगी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में उनके लिए हमेशा कष्ट साध्य होता है। वे दुखी रहते हैं, संताप में रहते हैं, लेकिन पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को जो उनके बारे में चौपाई है, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अखिल लोकदायक विश्राम आनंद पहुंचाने का काम करते हैं। अभी राजनीति की बात हो रही थी, उसके बहाने, तुलसी के बहाने, तो राजनीतिक दृश्य से भी अगर हम राम पर विचार करें, क्योंकि इस समय आरोप लगाया जाएगा कि एक पार्टी विशेष भारतीय जनता पार्टी श्री राम के नाम का दुरुपयोग या सदुपयोग करती, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन हम याद कराना चाहेंगे कि भारत का संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा अपना काम कर रही थी, उस समय उसके अंतिम दिन श्री राम सहित अनेक महानुभावों के चित्र संविधान की मूल कापी लोकसभा में रखी हुई है। उसमें प्रथम पृष्ठ पर श्री राम का चित्र है, कृष्ण का चित्र है, उसके बाद अनेक लोगों के चित्र हैं, फिर एक बार राम की लंका विजय का भी चित्र है। तो जिस देश की धरती पर जहाँ के संविधान में श्री राम का चित्र कलाकारों ने उकेरा हो और वो संविधान अभी भी आदरणीय ग्रंथ के रूप में भारत की लोकसभा के सचिवालय में, हमारी विधानसभा के सचिवालय में रखा हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं कि संविधान में भी श्री राम हैं, और संविधान में है, समाज में है, हमारे काम में है, सब जगह हैं। वह भारत की प्रीति हैं, भारत का ध्यान है, भारत का जप है, भारत का अनुसंधान है, भारत का भविष्य है, भारत का सपना है। उन पर टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है, उन्हें पढ़ना चाहिए, गुनना चाहिए और यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि राम कैसा चाहते थे भारत और विश्व, वैसा बनाने के काम में विनम्रतापूर्वक राजनीतिक वाद प्रतिवाद से दूर रहकर सबको प्रयास करना चाहिए। मैं उनको भी, आपके अति प्रतिष्ठित चैनल जो पूरा विश्वव्यापी चैनल है आपका, उसके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि राम को लेकर क्यों विरोध करें, विरोध के तो और भी तमाम मुद्दे हैं, लड़ाई के मुद्दे अपने देवताओं पर, अपनी आस्था के केंद्रों पर कोई भी समझदार कौम लागू नहीं करती। उदय जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या ये वजह है कि लोग उनके आदर्शों का अनुसरण इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने राम को माना है, राम को जाना नहीं है? सही बात है ये। असल में आज हमारा बहुत, हमारी नजर पर राजनीतिक चश्मा लग गया है और राजनीतिक चश्मा से हम गुणागणित करते हैं, लाभ हानि की बात करते हैं कि कौन सी चीज बोलेंगे तो अब ज्यादा मतदाता हमारे साथ आएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि राम का जो चरित्र है वो शाश्वत चरित्र है। राम को के चरित्र में जब आप उतरेंगे तो राम ही कहते हैं कि माता कुमाता न भवती, कैकेयी उनको जंगल, इस तरह का जो त्याग है, तपस्या है, उदारता है और मृदु बोलना है,
ये राम के गुण हैं। इसलिए राम केवल भारत में ही नहीं, राम थाईलैंड में, राम सूरीनाम में, राम फिजी में, राम त्रिनिडाड में, राम पूरे विश्व में जो राम कथा गई है उसका कारण क्या है। यहाँ जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि व्यक्ति अपने चरित्र से जीवित रहता है, अपने कथन से नहीं जीवित रहता है। राम उस चरित्र के प्रतीक हैं, त्याग के प्रतीक हैं, उदारता के प्रतीक हैं, आज्ञाकारिता के प्रतीक हैं, जो उनके शरण में आ गया शरण वत्सलता के प्रतीक हैं। इसलिए राम हजारों हजार वर्ष से हमारे सांस्कृतिक चेतना में पड़े हुए हैं। इसलिए आप जो राम मनोहर लोहिया जी की बात कर रहे थे, राम मनोहर लोहिया जी ने ही चित्रकूट में रामायण मेला शुरू करवाया और उन्होंने राम द्वार, कृष्ण द्वार, सारे द्वारों का नाम रखा। वो मानते थे कि अगर हमारी संस्कृति है उसको एक शब्द में कहा जाए तो राम संस्कृत कहा जाएगा। एक बार दिल्ली में बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा था जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा के पुरोधा प्रोफेसर नामवर सिंह जी थे और कुबेरनाथ राय जी थे और तमाम विद्यानिवास मिश्र जी थे। सबसे यही पूछा गया कि क्या कहा जा सकता है राम को, भारत को क्या कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक शब्द में कहना है तो भारत की संस्कृति राम की संस्कृति है, ये हमें कहना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आप राम को जानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, राम मंदिर बनने वाला है लेकिन आपने उससे पहले संन्यास ले लिया, तो औचक संन्यास लेने के पीछे की वजह क्या? आप इन क्षणों के साक्षी बन सकते थे आराम से और आप जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की बहुत आवश्यकता राजनीति में। वैसे सन्यासी का बड़ा आदर होता है और मैंने कोई सन्यास नहीं लिया है राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से। हमारी पार्टी सर्वोपरि है हम लोगों के लिए, कार्यकर्ता के लिए। हमारी पार्टी ने यह नियम बना रखा है कि 75 वर्ष के बाद उसे चुनाव नहीं लड़ाते। बाकी पार्टी का काम मैं किया करता हूं और पूरी सक्रियता के साथ करता हूं, 24 घंटे करता हूं। मेरा मन था कि जब समापन करने आप जा ही रहे हैं तो मैं एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो देश के बहुत धुरंधर थे मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा, वो थे श्रद्धेय राजगोपालाचारी जी। राजगोपालाचारी जी ने तमिल में राम कथा लिखी थी, तमिल की उस राम कथा का नाम था तिरुमगन। बहुत सुंदर राम पर किताब है तमिल में और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। उसका अनुवाद महात्मा गांधी जी की पुत्र बहू ने किया था हिंदी में। राजा जी ने उसकी भूमिका लिखी थी। सब कांग्रेसी हैं ये और वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, अरे गरे नहीं। तो भूमिका में राजा जी ने लिखा कि बिना श्री राम के हमारी कोई गति नहीं, हमारा कोई भविष्य नहीं, हम तो श्री राम का नाम लेकर ही जीवित रहते हैं, इसके अलावा और कोई हमारे सामने ऐसा आसरा नहीं दिखाई पड़ता। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो अपने समय का 10-5 लोगों में, भारत के 10-5 लोगों में एक परम विद्वान माना जाता है, वो श्री राम के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। और इस तरह से जो लोग श्री राम को कम मानते हैं या ज़्यादा मानते हैं या निंदा में रस लेते हैं, वोट के कारण रस लेते हैं, तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना। हम श्री राम से ही प्रार्थना करेंगे कि वो उनको हर तरह से विवेकशील बनाए और उन्हें हर तरह से प्रिय बनाए अपना। मैं अंतिम निवेदन के रूप में, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वो वाल्मीकि की रामकथा का अंतिम भाग है, उससे एक लाइन लेकर मैं आज का अपना निवेदन समाप्त करूँगा समय के भीतर। वो दशरथ ने श्री राम को वनवास दिया, श्री राम वनवास के लिए तत्पर और तैयार। वह गए सभी माताओं के कक्ष में, अंत में कौशल्या के कक्ष में पहुंचे। कौशल्या उन्हें देखकर रोने लगी और कहा कि हम तुमको रोकेंगे नहीं, श्री राम तुम्हारा निश्चय, उसमें मैं बाधा नहीं डाल सकती। कौशल्या ने कहा, लेकिन पुत्र जब तुम जा ही रहे हो तो ये ध्यान रखना कि वहां से अमृत लेकर ही लौटना। वाल्मीकि ने शब्द इस्तेमाल किया है कि हे बेटा, अमृत लेकर ही लौटना। अब ये अमृत क्या है? ये अमृत है
इस देश की संस्कृति, परंपरा और प्रवाह की विजय। कौशल्या ने आगे कहा कि और इस काम में सारे वैदिक देवता, अग्नि, इंद्र, मातृसुवन, वरुण, ये सारे देवता तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं ताकि तुम अमृत लेकर लौटो। मैं प्रार्थना करती हूं कि हे बेटा, तुमने अब तक अपने स्कूल में, विद्यालय में जो पढ़ाई की है, वन में रहते हुए वो पढ़ाई तुमको बार बार सहायता करे। तुमने जो मंत्र वगैरह पढ़े हैं वह तुम्हारी सहायक हों, ऐसा आशीर्वाद कौशल्या ने दिया था और वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ दिखाई पड़ता है। आज दुनिया का कोई देश, कोई भूखंड, कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां श्री राम की चर्चा न होती हो। एक बहुत बड़े पत्रकार दिल्ली के मित्र हैं हमारे, उन्होंने एक शोध किया था कि भारत के 85% नाम राम से शुरू होते हैं। राम खिलावन, राम जयावन, रामपाल, राम प्रसाद, राम निहोरे, राम से तमाम। अब ये भी एक शोध का विषय है कि जो विरोधी हैं राम के या कोई तर्क करना चाहते हैं तो वह भी अपने अपने घरों में जांचें। बहुत लोगों के घर में राम दुलारे, राम समझ। मेरा नाम राजीव है सर, भगवान राम की आंखों को राजीव कहा गया था। राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने राजीव लोचन कहा है, तो आपका नाम भी तो उसी परिवार का नाम है और आप यशस्वी हों ये भी साथ साथ में कह देता हूँ। अगर समय बचा हो तो आप विषय रख लें। सर चूंकि अब समय की कमी है, आखिरी कुछ शब्द आप जो कहना चाहें आप प्लीज कह सकते हैं। प्लीज सर आप अपनी बात रख सकते हैं। सर देखिए भाई, हिंदुस्तान में रहना है तो राम बन करके रहना है, उनके आदर्शों पर चलना है। राम एक व्यक्ति नहीं, राम एक तत्व है, राम समाज की संहिता है। भाई के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, जन परिजन के साथ, पुरजन के साथ कैसे रहा जाता है ये राम से सीखना होगा। शायद हमारी पीढ़ी में बहुत गैप हो गया है राम के चरित्र को न जानने का, और आज तक इस गैप को पूरा कर रहा है इस चर्चा के माध्यम से। इस तरह की तमाम चर्चाएं और होगी तो निश्चित रूप से हमारी जो नई पीढ़ी है वो राम के चरित्र का अनुसरण करेगी और श्रेष्ठ भारत बनेगा। सर मेरा एक सवाल इसी पर है आपसे, सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति वो राम को जाने कैसे, क्योंकि भारत में मुझे लगता है कि हर धर्म का व्यक्ति रामायण पढ़ता है लेकिन उसका अनुसरण नहीं हो पाता, तो कहां जाकर वो ढूंढे राम को, कैसे वो राम का, राम के बताए गए मार्गों पर, या राम जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर चले। देखिए राम को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हृदय में होते हैं। अगर आपके हृदय में राम बैठे हुए हैं तो न तुलसीदास को पढ़ने की जरूरत है, न कबीरदास को पढ़ने की जरूरत है, न जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको पढ़ने की जरूरत है। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है वह पैदा होते ही राम कथा से परिचित हो जाता है कि राम को वनगमन हुआ, ये हुआ, उन्होंने त्याग किया, माताओं का कहना माना। आप कल्पना कर सकते हैं कि पिता की मृत्यु हो जाना, राम को वनगमन जाना, इतनी कठिन परिस्थितियों में राम, आज का कोई होता तो तुरंत सत्ता पर काबिज हो जाता। राम त्याग के प्रतीक हैं, उस त्याग को हम जितना ही अपने समाज में विकसित करेंगे हमारा भाईचारा उतना ही बढ़ेगा। तो सर अयोध्या, मेरा आपसे सवाल सर, तो आपको, आप उनकी बात से सहमत हैं और क्या अयोध्या जाने की जरूरत है या फिर घर बैठे बैठे राम मिल जाएंगे? हमारे उपनिषद दर्शन में बताया गया है कि तत्व का चिंतन, तत्व का ज्ञान बहुत जरूरी है। नंबर एक उपनिषद दर्शन में बताया गया क्रमानुसार कि क्या क्या जरूरी है। तो पहली बात बताई गई कि तत्व चिंतन, जिसे आज की भाषा में फिलॉसफी कह सकते हैं, कि वो बड़ा अनिवार्य है। दूसरा बताया गया है कि शास्त्र चिंतन, शास्त्रों से कुछ मार्गदर्शन ले लिया जाए। और तीसरा बताया गया है कि जो व्यक्ति सामान्य है, फिलॉसफी या तत्व दर्शन की बात नहीं जानता, उसे तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थों में जाने से उसका मन ठीक होगा और उसकी आस्था, श्रद्धा और पकेगी। अयोध्या इस समय दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया है। दुनिया के सभी देशों के देवताओं को, उनकी आस्था को, संस्कृति को प्रणाम करते हुए मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या से बड़ा कोई तीर्थ इस समय दुनिया में नहीं है। और उनको भी जाना चाहिए, हमको भी जाना चाहिए, आपको मैं नहीं कह सकता।
लेकिन सबको जाना चाहिए वहां। हम तो कवरेज करने के लिए जाएंगे सर। मैं सर अब जरा सा चार माह क्या इस तरह के जो लोग रहे हैं जिन्होंने सवाल उठाए जरा उस पर भी आ जाना चाहता हूं कि ये भी दर्शन है हमारे हमारे हिंदू धर्म में इस तरह के लोग भी हुए जिन्होंने सवाल भी उठाए, तो ऐसे में ऐसे लोगों को जो आस्तिक नहीं है या जो नहीं राम में विश्वास करते उनको राम में क्या ढूंढना चाहिए या फिर राम के किस भाग को या संपूर्ण राम को उनको भी मानना चाहिए? आप बताएं सर, दोनों से ही सवाल प्लीज, पहले आप बताएं, अगर आप बताना चाहें सर प्लीज आप बताएं पहले, आपने तो कहा अच्छा सवाल। अच्छा इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे सर, प्लीज कहिए ना सर, आप सर तो जवाब देंगे ही इसका भी। क्या प्रश्न पूछे आप? प्रश्न मेरा ये है सर कि हमारे हमारे ही देश में ये इस तरह का दर्शन भी रहा ना, चारवाक जैसे दर्शन, उन्होंने तो एक त्रयोवेदस्य भर्तारो भंड धूर्त निशाचरा इस तरह की बातें, तो ये दर्शन भी है, तो वो व्यक्ति जो नहीं आस्था रखता है सर, ये आवाज यहाँ भले ही थोड़ा सा मतलब खलल डाल रहे हो लेकिन यहाँ नहीं, जो बात आपकी कही जा रही है वो वहां तक जा रही है प्रॉपरली। तो वो व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, जो नास्तिक है, उसको राम में क्या तलाशना चाहिए या राम के किस रूप का उसको अनुसरण करना चाहिए? जो नास्तिक है, देखिए एक बात मैं बताऊं, रामचरितमानस की रचना रामनवमी के दिन अयोध्या में शुरू हुई थी और राम का जन्म भी अयोध्या में रामनवमी को हुआ था। जब हम रामनवमी का उत्सव मनाते हैं तो आप बिना पढ़े लिखे समाज में जाइए, पढ़े लिखे समाज में जाइए, सब में जो वो जन्मदिन हम नहीं मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। रामनवमी को हम जन्मोत्सव मनाते हैं, इसलिए पंडित विद्यानिवास मिश्र का आप एक लेख पढ़िए, उसमें उन्होंने आप ही के प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो लोग नास्तिक हैं वे भी जन्मोत्सव मनाते हैं, वो भी उसी में नाचते गाते हैं और वो सीखते हैं कि राम जैसा व्यक्ति, आप आध्यात्मिकता में मत जाइए, राम को एक व्यवहारिक रूप में लीजिए, राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा कौन हुआ है? जो लोग नास्तिक हैं वह इन चीजों पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि राम के चरित्र को वो सही अनुसरण कर सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान में कोई नास्तिक नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। बड़े बड़े नास्तिक लोग अपने घरों पर गणेश की प्रतिमा रख करके पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे संस्कार में ऐसा अंदर तक घुसा हुआ है कि हम धर्म का अंदर से विरोध कर ही नहीं सकते। इसलिए राम का, भारतीय संस्कृति का, रामत्व का हम विरोध नहीं करते हैं। नास्तिक लोग भी राम को किसी न किसी रूप में मानते हैं। जैसे नास्तिक लोग हैं कहते हैं कि कबीर ने राम को कहा कि दशरथ के पुत्र राम नहीं है, तो आप ठीक है राम को तत्व के रूप में मानिए, दशरथ के पुत्र के रूप में मत मानिए। दशरथ के पुत्र तो एक अवतार के रूप में उनका चित्रण किया गया है। तो जो जीवन की संहिता है, जीवन की जो मर्यादा है, जीवन में कैसे रहा जाता है, एक पत्नी व्रत कैसे किया जाता है, ये राम से हमें सीखना होगा, वह आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो। चूंकि समय इतना ही था सर, मैं यहीं पे समाप्त कर, अगर आखिरी कुछ लाइनें आप कहना चाहते हैं, आखिरी कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें सर, हाँ इसी प्रश्न पर। प्रश्न मेरे सर भी जिस बार आपने कहा कि बहुत अच्छा सवाल है कि हाँ इस तरह के दर्शन भी हमारे में हुए हैं जो इनको काटते रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक प्रश्न भारतीय दर्शन के बारे में भी पूछा है। भारत में बहुत प्राचीन काल से छह दर्शन चलते हैं, षट दर्शन कहते हैं, और एक बौद्ध और एक महावीर, ऐसा मिलाकर भारत में दर्शन की आठ धाराएं हैं। चार्वाक भी दर्शन का एक विचार है और वह प्रकट भौतिक जगत के अलावा जो नहीं दिखाई पड़ता ऐसे अदृश्य जगत के बारे में, अदृश्य जगत के किसी तत्व के बारे में स्वीकृति नहीं देते चार्वाक और उनका ग्रुप पूरा का पूरा। आपका प्रश्न है कि जब हमारे जो नास्तिक हैं या जो चार्वाक दर्शन मानते हैं वो राम के किस रूप के, था कि राम के हिसाब से, हीगल के हिसाब से, मार्स के हिसाब से, और जो यूनान के दार्शनिक हैं थेल्स के हिसाब से, हेराक्लिटस के हिसाब से, जितना पूरी हिस्ट्री है इसकी दर्शन शास्त्र की, तो उसके हिसाब से देखें
तो जो प्रत्यक्ष जगत है उसका सारा का सारा विवरण भौतिक में आएगा और वो चारवाक के लिए उपयोगी होगा। प्रत्यक्ष जगत अर्थात राम राज्य। अब राम राज्य की कल्पना, राम राज्य की धारणा ऐसी सुंदर है कि दुनिया के किसी भी देश की कोई भी राज व्यवस्था का विकल्प राम राज्य के आगे नहीं ठहरता। आस्तिक और नास्तिक दो शब्द यहाँ प्रयोग हुए हैं, प्रोफेसर साहब ने प्रयोग किए हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर आस्था से नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा है कि जो वेद को मानता है वो आस्तिक है और जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदका। लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक नहीं कहा गया, क्योंकि ईश्वर बोध का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं देखे, कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। तो वो नहीं मानेंगे, उन्होंने बहुधा जल्दबाजी की है इनकार करने में। अगर और अध्ययन करें, वो थोड़ा सा और गहराई में जाएं, तो ना मानना भी उन्होंने किसी प्रयोग के आधार पर नहीं किया। कुछ लोग मानने को यूं ही मान लेते हैं और कुछ लोग ना मानने को यूं ही मान लेते हैं। तो ऐसी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। भारत का दर्शन अब सारी दुनिया में फैल चुका है और ईसा के 500-600 वर्ष पहले जब यूनानी दर्शन का विकास हो रहा था उस समय गए यहाँ से, यहाँ के व्यापारी बाहर यूनान भी गए होंगे, उन लोगों ने यहाँ की तमाम दर्शन की बातें बताई होंगी। तो यूनानी दर्शन की तमाम मान्यताएं भारतीय दर्शन की तमाम मान्यताओं से मेल खाती हैं। और मजेदार बात यह कि श्री राम उन दर्शनों का आदर करते हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जो वो वेद है उसको पूरा पढ़े हैं। उनके राज्याभिषेक के पहले मंत्रिमंडल बैठा था दशरथ का, तो दशरथ ने कहा कि कौन राजा ठीक रहेगा, तो लोगों ने कहा कि श्री राम ठीक रहेंगे। तो दशरथ ने कहा हमारा बेटा इसलिए कह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, श्री राम वेदों के विद्वान हैं, श्री राम गंधर्व विद्या के विद्वान हैं, श्री राम सैन्य संचालन के विद्वान हैं, इसलिए इनको राजा बनाओ। हम समझते हैं कि हमारा आज का जो सबसे सुंदर समय था हमारे जीवन का वो आप लोगों के बीच कटा है। आपको बहुत प्यार और स्नेह और शुभकामना और आदर, आपका मैं पहले से ही आदर करता हूँ। हम दोनों बहुत पुराने मित्र हैं और जो ये बैठे हैं सामने उनके प्रति भी आदर भाव। बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए बैठे। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया हृदय नारायण दीक्षित जी और उदय प्रताप सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। सिंह साहब, दीक्षित जी, साहित्य आज तक के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजीव। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारा सेशन लगातार चलता रहेगा। अगला जो सत्र है उसका नाम है खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। आइए इनको राजीव। भाई जो सुनावा जात पहले वो बंद कर दो, या सुनी नहीं को सुनी।